लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो ना बप्पा, मरने वाले को भगवान दवा में नजर आता है और भूखे को रोटी में, ठीक है, लेकिन मुझे तो फादर फर्नांडिस के रूप में भगवान नजर आता है। बिल्कुल ठीक करो, बिल्कुल ठीक करो। गॉड है फादर मेरे लिए, गॉड है गॉड। एक बार मुझे बोला था, क्या बात बोला था यार। क्या बोला? बोला हर चीज गॉड के हाथ में छोड़ देना, तुमको हर चीज में गॉड का हाथ नजर आएगा। बोला ना। उसके बाद मैं हर चीज फादर के हाथ में छोड़ दिया। अब तो हर चीज में मुझे फादर का हाथ नजर आता है। टोनी, वो सचमुच तुम्हारे फादर है? अरे फादर नहीं, मदर है। मदर? मदर? हाँ, हम तो फादर को माँ बोलता है। माँ कोई बोलता है? नहीं बोलता ना, मैं बोलता हूँ। एक फुट का था, 5.5 फुट का बना दिया। ऐसा था, ऐसा यो खड़ा कर। अरे क्या बात है। ए बनिया, आधा किलो प्याज देना और एक प्रकाश बीड़ी बंडल भी देना। अच्छा टोनी, चाय मारे चल। और बाबा, मैंने ये भी देखा है, मुश्किल बाद में आती है। ए, दो चाय देना, पहले फादर आ जाते। क्या मतलब? मतलब हेल्प के वास्ते। पैसा चाहिए फादर देगा, कपड़ा चाहिए फादर देगा, दवा दारू। दारू? अरे नहीं नहीं नहीं, दारू नहीं, खाली दवा। अबे देगा कहाँ से? कौन है? बाप के हाथ लाया है क्या? जय फादर के बारे में कुछ मत कहना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमसे क्यों बर्दाश्त हो? तुम तो खुद उसके चमचे हो, यतीम हो। बाकी तो तुम्हारी तरह यतीम नहीं है। मेरे बारे में जो कहना है कह ले, लेकिन फादर के बारे में कुछ मत कहना। फादर ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो बनाया भी क्या है? शीला से मोहब्बत मैं करता था और शादी कर दी बिरजू से। क्योंकि तुम शराबी हो। शराब मैं अपने पैसे से पीता हूँ, उस बुढ़े खुसट के पैसे से नहीं। टोनी, दैट्स वेरी बैड। ये सब अच्छा नहीं लगता टोनी। लेकिन फादर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, कसूर मेरा नहीं था। कसूर तो मेरा है टोनी, मेरी वजह से तू ज्यादा सर चढ़ गया है। छी 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 छी,
क्या ये तुझे अच्छा लगता है कि तेरी वजह से मुझे बार बार पुलिस स्टेशन आना पड़ता है? सॉरी फादर, लेकिन पहले वो बोला, क्या कुछ बोला आपके बारे में? बुढ़ा बोला ना। अरे कोई बुढ़े को बुढ़ा बोलेगा तो क्या तू मारेगा उसे? खूसट भी बोला था। मेरा बस चलता ना तो जिंदा जमीन में गाड़ देता उसको। जा, जाके मरियम माँ से माफी मांगो, जा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? मेरी तो मरियम भी आप है, गॉड भी आप। क्या करूं तेरा, बच्चे की तरह मासूम है तू, लेकिन तेरे अंदर जो जानवर है ना वो कभी कभी तेरे काबू से निकल जाता है। अच्छा ये बता, ये क्यों पहनता है तू? आपने दिया इसलिए पहनता हूं। सुन बेटा, तुझे कभी गुस्सा आए ना तो इस सलीब को हाथ में थाम लेना, गॉड तेरा हाथ थाम लेगा। अरे ओ लिली, तू क्या लाड साहब की बेटी है, बाद में आई पहले पानी भर के जाएगी। हाथ नहीं लगाना वरना उंगलियां तोड़ के हथेली में रख दूंगी, समझे? लाला लाओ दगाओ खर्चा। क्या दाम है? सिर्फ एक रुपया। हाँ। मोहे पन घट पे नंद लाल खेड़ गया रे, मोहे पन घट पे नंद लाल खेड़ गया रे, मोहे पन घट पे। ए नंद लाल, मेरे को जानता है ना? अच्छी तरह जानता हूँ, जल्लाद की बेटी और नाम रख लिया है लिली। लंगूरी कहीं भी दो मारती रहती है। मेरे को लंगूरी कहा? सुना नहीं? ए हाथ मत उठाना वरना हाथ तोड़ के इस हाथ में दे दूंगा। मैं भी तेरा सर ना फोड़ दूं तो अपना नाम बदल लूंगी। बदल दे, मुझे भी कुछ खास अच्छा नहीं लगता। आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चल चल, एक ही शर्ट फट गई तो तेरा बाप सिला के दे। मेरे बाप का नाम लेता है? चल अपने बाप के पास चल। फादर छोड़ेंगे क्या? देखती हूँ तेरे को अभी। शर्ट फट जाएगी। फट जाएगा तो ठीक होगा, देखती हूँ मैं। फादर क्या हुआ? इसी नासपुरे से पूछो। आपके प्रेजेंट में गाली देती है फादर? नहीं तो क्या, मिठाई दूँ? ओह गॉड, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। लिली उसका कमीज तो छोड़। अब ये बता इसने किया क्या? फादर फादर, इसने मेरी मटकी मेरे सर पे मार के फोड़ दी फादर। झूठ झूठ, अब मैं इसका सर फोड़ना चाहता था, मटकी फूट गई फादर। फादर आप भी हंसते हैं। बस फादर, ये मुझे उल्टी नजर से देखता है। अच्छा, मैं इसे सीधा कर दूंगा। और फादर, इसने आज फिर मुझे लंगूर कहा। परसों बाजार में भी कहा था। लंगूर कहाँ कहा था, लंगूर ही कहा था। लंगूर भी तो वही होता है। कैसे होता है? लंगूर में तो अंगूर का रस होता है। फादर फादर। टोनी। यस फादर। कब से झगड़ा चल रहा है तुम दोनों में? 5-6 महीने। ये झूठ बोलता है फादर, 9-10 महीने से। 9-10 महीने कहाँ हुए? पिछली क्रिसमस को झगड़ा हुआ था, कितने महीने हुए? देगा फादर, मेरे को मारता है। टोनी। यस फादर। तुम अंदर जाओ। यस फादर। लिली तुम अब कर जाओ, अब वो नहीं परेशान करेगा। लंगूर की चोंच में अंगूर। टोनी। लंगूर। कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? चुपचाप सो जाओ। Thank you.
शर्ट क्यों खींचा था? फट गया सर। तो यही वाक मिला है पूछने के लिए? तो और कब पूछ? जब लाया हूँ चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। हो ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, अरे चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, अरे चल बैठे चर्च के पीछे। आज तो आज की सोचो, कल बापू जाग गए थे मेरी लाज की सोचो। अरे जो होना था कल हुआ था, आज तो आज की सोचो। जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। अरे ढूंढना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। अरे कौन है, कौन है, कौन है? अरे चोर, चोर, लिली, 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 अरे ये क्या रस्सी? चोर, 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 चोरी चकारी डकैती डाका ये तो आज तक सुनते आ रहे हैं फादर, लेकिन इस तरह छप्पर फाड़ के लड़की को निकाल के ले जाना, दिस इज वेरी बैड। शरीफ आदमी को तो अब अपने घर में रहना मुश्किल कर दिया है। क्यों? सबको चर्च में रहना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो ओझा अंकल बताएगा। हाँ,
ऐसा मंत्र मारेगा, ऐसा मंत्र मारेगा कि चोर अपने पैर में आके गिरेगा। ये डेढ़ पैर पे? नॉट धिस, धिस। ओ लीली, तुम बोलो, तुम्हें उसने के हाथ पकड़ के खींचा था? हाँ। कितना लंबा हाथ था उसका? हाँ, वो न, जी सर, वो फादर रस्सा फेंका होगा। हाँ रस्सा फेंका था ऊपर से, और फिर ऊपर ही खींच लिया। तुम क्या कर रही थी उस वक्त? मैं सो रही होगी फादर। सो रही होगी? हाँ मैं सो रही थी। उसकी शक्ल याद है तुम्हें? शक्ल? जब सो रही थी तो शक्ल कैसे देखी तूने? देखा फादर, आपके सामने मुझे मैट कहता है। डिसूजा। यस सर। चोर तो बता सकता हूँ। कहाँ है, कौन है, दिखाओ, मैं अभी कच्चा खा जाऊंगा उसे। खाम खा अपना पेट खराब करोगे। चोर यही है और मेरी नजरों के सामने है। टोनी सामने आओ। मैं जरा पानी भर के आता हूँ। टोनी वो बाल्टी वहां छोड़ो और इधर आओ। यस फादर। हाँ तो डिसूजा क्या करना है चोर का? पेट से बांध के कोड़े मारने का। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। बांधना तो ठीक है डिसूजा, लेकिन पेड़ से नहीं। मैं तो कहता हूं इससे बड़ी सजा कोई नहीं होगी कि इसे लिली के पल्लों से बांध दो। जी डिसूजा, बेटी घर फलांग तब तक नहीं जाती जब तक वो चोर से मिली हुई ना हो। मैं तुम्हें अपना टोनी देता हूं, तुम मुझे लिली बेटी दे दो। ये टोनी? डिसूजा चोर अभी फंसा हुआ है, अगर हाथ से निकल गया तो। मैं निकलने नहीं दूंगा। हाँ, पैर छुओ। ये पेड़ पे? नॉट धिस, धिस, धिस। मे यू ऑलवेज बेयर विटनेस टू द लव ऑफ गॉड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड सो दैट द अफ्लिक्टेड एंड द नीडी विल फाइंड इन यू जनरस फ्रेंड्स एंड वेलकम यू टू द जॉयज ऑफ हेवन एंड मे अलमाइटी गॉड ब्लेस यू ऑल द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट। God bless you, my children. Father, ये बैल कौन बजा रहा है आज? लिली के बाबा हैं। बाप के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती बेटा कि वो अपनी बेटी की शादी में खुद बैल बजाए। लाया हूँ चांद चुरा के लाया हूँ। अरे लिली, लोग बोलते हैं बच्चा होने के बाद हस्बैंड वाइफ में प्यार कम हो जाता है। हाँ। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करेगी ना? क्यों, मैं भी ऐसे ही करूंगी। क्या तुम भी ऐसा ही करोगी? अरे प्यार इस वास्ते करते हैं कि बच्चे हो, बच्चे हो जाए तो प्यार क्या कर रहा हूं? फिर तो साला ये बच्चा मांगता ही नहीं। क्यों? तुमको मांगता है? मांगता है? अरे एक बात बता, अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगे? लड़का जूडस। हट किया जीसस रखेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखेंगे? मेरी। सिर्फ तुम्हारी? मेरी नहीं। अरे मेरी नहीं, मेरी 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 बुद्धू। अच्छा मेरी। हाँ। अच्छा। अरे लाइट तो बुझाओ। अरे संतरे को भेज दो ना। कितनी बार कहा दोनों एक साथ मत उठाया कर। दोनों और क्या, एक पेट में एक बगल में। दे राम मुझे दे। आइंदा मैं ही पानी भरने जाया करूं। तुम्हें पानी लाने भेजूंगी? ऐसी गलती मैं नहीं करने वाली। क्यों? तुमने मेरे को नल के पास ही पटाया था। ओ अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, अब मैं किसी को नहीं पटाऊंगा। हाथ दो। क्या? हाथ दो ना।
देखो कैसे हिल रहा है। अरे क्या हुआ? साला लात मार रहा है। फादर टोनी अभी तक आया नहीं। बस आता ही होगा। अरे गोनी तुम हॉस्पिटल नहीं गए? अरे बीबी को हॉस्पिटल में छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अपने कलेक्टर साहब है ना, हाँ उनका हुक्म आया है, उनकी काकी मर रही है, कॉफिन चाहिए। ठीक है ठीक है, जल्दी पहुंच जाना। ये काकी को भी आज ही मरना। फादर लड़की हुई है। टोनी आइए मुंशी जी आइए। यार अफसोस की बात है। हाँ मुंशी जी अफसोस की बात तो है ही, लेकिन क्या करें, बुढ़िया थी मना तो था ही उसे। सब तैयार हो गया, सिर्फ नाम खोदना बाकी। अरे मत खोदो यार, वो कलेक्टर साहब की चाची बच गई। क्या? लेकिन इतनी मेहनत से मैंने ये कॉफिन बनाया है, अब इसका क्या होगा? तो क्या जबरदस्ती मार डालू उनको? अरे लेकिन तुमने ही तो जिद की थी, वरना मैं तो हॉस्पिटल जाने वाला था। तो फिर मुझे सुना दो इसमें। लेकिन अब इस कॉफिन का क्या करूं मैं? फिक्र क्यों करते हो यार, आज नहीं तो कल कोई ना कोई मरेगा ही, तब तुम्हारे काम आ जाएगा। टोनी टोनी बाल बचा ले, हाँ माफ कर दो माफ करो। टोनी फादर आप? फादर क्या हुआ? लड़का हुआ ना, बेटा मिला ना मुझे। हाँ फादर मैं जानता था, मेरी शर्त लगी थी लीली के साथ। तुम शर्त हार गए टोनी। अच्छा अच्छा लड़की हुई है, घर में मैरी आई है। अच्छा फादर लीली कैसी है? वो सो रही है। सो रही है? अच्छा मुझसे बहुत नाराज होगी ना, मैं उसे देखने जा नहीं सका। मैं अभी जाता हूँ। नहीं तो नहीं, तुम आज वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। जरूर पहुंच जाता फादर, लेकिन बीच में एक कॉफिन बनाना पड़ गया। टोनी गॉड की मर्जी यही थी कि लीले का कॉफिन तुम अपने हाथों से बनाओ। लिली अब इस दुनिया में नहीं रही टोनी, तुम्हें छोड़कर चली गई। जीने की सजा मिल जाती है।
एक और पला मिल जाती है, मरने की घड़ी मिलती है अगर, जीने की सजा मिल जाती है। सब कुछ खत्म हो गया फादर, सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है टोनी, तो एक नई शुरुआत होती है। इस दर्द के बहते दरिया में हर गम है मरहम कोई नहीं, हर दर्द का ईसा मिलता है, ईसा की मरियम कोई नहीं, सांसों की इजाजत मिलती नहीं, जीने की रजा मिल जाती है। अपड़ की तुपड़ी पोती के पार, नानी ने पकड़े नाना के कान, मेरी मेरी मेरी। अरे अरे क्या कर रही हो, गिरने का इरादा है क्या? अच्छा सुनो एक आइडिया, तुम और मैं दो चार दिन के लिए मेरे घर जाकर रहेंगे। क्यों? घूमेंगे फिरेंगे और बहुत प्यार करेंगे। फिर खाएंगे पिएंगे और मेरे पापा हैं ना, हाँ वो हाँ तुमको खा जाएंगे। अच्छा हाँ। उसके पहले मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आ बेटिया, कितना लंबा सफर था, बहुत थक गई होगी ना, बैठ बैठ। फादर ने एक बार बोला था लंबे सफर में आदमी को बहुत सफरिंग होता है, क्या बात बोला ना, बोला ना। अरे मेरी ये देख, मैं तेरे लिए सब रेडी करके रखा हूं, ये देख, ये पाउडर, ये दांत का ब्रश, ये पेस्ट, ये साबुन, ऑयल, सब रेडी करके रखा हूं तेरे लिए। पापा, आप मेरे पापा ही नहीं बल्कि मेरी मामा हैं। अच्छा बेटी, तू मेरे लिए भी कुछ लाई होगी। सुना है शहर में सब कुछ मिलता है लेकिन मेरे जैसा पापा नहीं मिल सकता, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा बता क्या लाई है मेरे लिए। अभी बताती हूँ। पहले आप आंखें बंद कीजिए। नो चीटिंग, हाँ ठीक से बंद कीजिए। मर गई। खोलो। अरे बंद क्यों कर दिया वो? देखे भाई देखे। अरे इतने सारे कपड़े तुलाई अपने पापा के लिए हा? अरे बेटी ला, मैं अभी बदल के आता हूँ, अभी बदल के। कौन? गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू। कौन हो तुम? पहचाना नहीं आपने? मेरी। अरे तुम्हारी ये खट्टी मीठी आवाज सुने हुए कितने बरस हुए माय चाइल्ड। अरे कितनी ऊंची हो गई हो तुम। ऊंची कहाँ फादर, ऊंचे तो आप हैं, मैं तो सिर्फ लंबी हो गई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। सुना टोनी, बेटी मेरी ने क्या कहा? टोनी
क्या पहन रखा है? लेकिन कैसा लगता हूँ फादर? बिल्कुल लॉर्ड लगता है। देखा देखा बोला था ना? मैरी मेरे लिए लाई है फादर। अच्छे है ना? अच्छे हैं लेकिन कुछ छोटे लग रहे हैं। कोई बात नहीं है फादर, मैं वजन कम कर लूंगा। ये तो पूरी पेटी भर के लाई है मेरे लिए। अच्छा, और इस फादर के लिए कुछ नहीं लाई? लाई हूँ फादर, एजुकेशन लेकर आई हूँ, वही तो कहा था ना आपने, और पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊंगी। गुड, वेरी गुड। अब आगे क्या करना है, पढ़ना है या शादी? शादी? नो फादर नो, आपने इसीलिए इसको इतना पढ़ाया है, शादी का ख्याल भी इसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसको तो बहुत बड़ा बनना है, इतना बड़ा कि सारी दुनिया इसके सामने गर्दन उठा के देखे। यू आर राइट माई सन, यू आर राइट। मेरी एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी जिंदगी में, एक स्कूल बनवा पाता, एक छोटा सा बेसहारा औरतों के लिए एक आश्रम और एक अनाथालय, एक बहुत बड़ा घर जिसका नाम रखता वर्जिन मेरी हाउस। लेकिन कुछ नहीं हो पाया, उम्र गुजर गई। नहीं फादर, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे पास पैसा होता ना तो सबसे पहले मैं आपकी विश पूरी करता। लेकिन टोनी टोनी डोंट फील हेल्पलेस माय सन, अच्छे काम के लिए पैसे से ज्यादा नियत की जरूरत होती है। नहीं फादर, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, ये मेरी मैरी है ना, ये सब पूरा करेगी, करेगी ना बेटी? हाँ हाँ। यू नो मेरी, ये जो गंवार अनपढ़ बाप है ना तुम्हारा, इसने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, कोई सुख नहीं देखा, देखे हैं सिर्फ सपने, और वो भी तुम्हारे सुख के, तुम्हारे प्यार के। अब इसके सारे सपने तुम्हें पूरे करने होंगे बेटी। यस फादर। तुम तो इसकी बेटी हो ना, ये मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा सब कुछ यही है बेटी, मेरा सब कुछ यही है। इसके लिए बार बार जी भर आता है बेटी। तुम इसे निराश मत करना, इसे निराश मत करना। आजा बेटी। ले। आप क्या मुझे अभी भी बच्ची समझते हैं? नहीं तो क्या तू बड़ी हो गई है, फादर हो गई है। ले ग्लास में। तुम गिरा देते हैं। नमक दो, नमक दो थोड़ा सा। आप भी तो पीजिए ना। पापा गंदू। ले पियो। फादर, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए हैं। फिर क्या किया है तूने जो पुलिस ढूंढती हुई आई है? किसी से झगड़ा किया है क्या? आप मुझे कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया फादर, मैं वोट लेने को तैयार हूँ। अभी पता चल जाएगा। उनको बुलाओ और तुम एक कुर्सी इधर ला के रखो। अमीन प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन।
बैठिए इंस्पेक्टर साहब, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यानी कि आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? बुढ़ापे में याददाश्त भी बूढ़ी हो जाती है बेटा। आंखों को तो चश्मा मिल जाता है, याददाश्त को भी चश्मा चाहिए। मैं लॉरेंस हूं फादर, स्कूल में पढ़ता था आपके पास, लॉरेंस डिकोस्टा, चिंकी लॉरेंस फादर, चिंकी लॉरेंस। यस यस, लॉरेंस, लॉरेंस डिकोस्टा। यस फादर। हाउ यू ग्रोन माय बॉय, कितने बड़े हो गए हो। आओ बैठो बैठो बैठो। थैंक यू फादर। तुम तो हमेशा कहा करते थे इंस्पेक्टर बनूंगा, सो बन के दिखाया। यस फादर। और अब ड्यूटी भी यहीं की मिली है, आज ही चार्ज लिया है। आते ही सोचा सबसे पहले आपका आशीर्वाद ले लूं। गॉड ब्लेस यू माय सन। फादर, मैं गार्डन में पानी लेकर आता हूं। अरे रुको, यहाँ पहचाना इसे? अरे अरे, लॉरेंस अपने स्कूल में पढ़ता था, बहुत दौड़ा करता था। एक दिन दौड़ रहा था, ऐसे जोर से दौड़ रहा था, मिला बुद्धू। अरे बस बस बस। मगर तुम्हारी आंख को क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे एक बार मैं जंगल की आग में गिर गया था, तो मुझे बचाने के लिए ये आग में कूद पड़ा। खैर मुझे तो बचा लिया, लेकिन एक पेड़ से अपनी आंख खो बैठा। टॉनी, यू हैव ऑलवेज बीन अ ब्रेव मैन। इसके इसी बहादुरी से तो मैं डरता हूँ लॉरेंस। गुस्से में आता है ना, तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए फादर, अब मैं आ गया हूँ ना इसे संभालने के लिए। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। ये साहब आप क्या है? मेरा नाम लॉरेंस है, नाम से पुकारो। अच्छा सर। फिर वही साहब, लॉरेंस, लॉरेंस। ओके फादर, आई विल टेक योर लीव नाउ। God bless you, my son. Come on. Oh God. अच्छा, तो टोनी दंगे फसाद करता है और फादर फर्नांडिस हमेशा उसे छुड़ा के ले जाते हैं। हाँ साहब, मगर ये टोनी अपने लिए कभी झगड़ा नहीं करता, हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है। तो टोनी हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये तो हवलदार है, प्रजा है, महाराज उधर है, हिलना नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कौन है आप लोग? चेलाराम, मेलाराम। हम दोनों पार्टी वर्कर है। कौन से पार्टी? पोजिशन। पोजीशन नहीं, अपोजिशन पार्टी। करेक्ट। हम दोनों कुछ कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? धरना नहीं, मारेगा नहीं, मारेंगे। हम लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। मारे माला निकाला अब मान। क्या बात है, देश की सेवा, जनता की सेवा हमारी हॉबी। करेक्ट। लेकिन आप लोग करते क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन यह जो कुछ होता है उसकी जड़ हम है। वो कैसे? आप देखिए ना, आपकी जो है बदली हुई, उसके जड़ में भी हम है। आई सी, तो आप दोनों हैं। जी हाँ, इसके पहले के इंस्पेक्टर वागले की शिकायत अगर हम नहीं करते, वो तो नहीं जाते और आप नहीं आते। करेक्ट। अपोजिशन पार्टी, सी हिलने लेकिन
आपने उनकी शिकायत क्यों की? साहब मामूली सी बात है, मैंने इंस्पेक्टर वागले को कहा था स्कूल में हेडमास्टर को जाके डांटो ताकि इनके बेटे को पास कर दे। अरे मानता ही नहीं था, इसलिए हमने अपोजिशन पार्टी की तरफ से शिकायत भेजना शुरू कर दी। आपके अपोजिशन पार्टी में मेंबर्स कितने हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स बस। और आपका बेटा कौन से क्लास में पढ़ता है? 3 साल से सातवीं में पढ़ा है, हिलता ही नहीं, हिलता नहीं। I see. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग चाहते हैं कि मैं हेडमास्टर साहब को बुलाऊं और उनको धमकाऊं। करेक्ट। बहुत समझ में आदमी है, समझ में आदमी। हवलदार। यस सर। हेडमास्टर को पकड़ के लाओ। चुप। इन दोनों को धक्के देकर बाहर निकाल दो, दोबारा आए तो अंदर कर देना। इसकी बंद करना। तो? हाँ मैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शेखर। क्यों 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 क्यों? तुम पापा को नहीं जानते इसलिए। पर यही सब जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ और एक और बात तुमसे सीखनी है, सिखाओगी? क्या? साड़ी बांधना। साड़ी बांधना? हाँ मैंने तो सोचा था कि मेरी शर्ट और पैंट पहनकर तुम घूम रही होंगी। शेखर तुम्हारे सारे कपड़े तो मैंने पापा को दे दिए। चलो ससुर के पास ही गए हैं ना, ठीक है। तुम तो बैठ ही गए, पापा आ गए तो मैं मर जाऊंगी। अरे पापा अभी नहीं आने वाले, पापा के आने में काफी देर है। मैं चर्च से सब पता करके आया हूँ। चालाक कहीं से। देखो मेरी, तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। प्रेजेंट क्या है? दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छी। थैंक यू, आई लव यू। ठीक से तोलना गजानन, मुझसे चालाकी मत करना। अरे तुम्हें कम तोल कर जान देना है क्या? क्या बात है डोनी, जलेबी खरीद रहे हो? हाँ भाई मेरी बिटिया है ना। मेरी? हाँ वो शहर से आई है। अच्छा अच्छा, उसे जलेबी बहुत पसंद है। लो भाई टोनी तुम्हारी जलेबी। हमें भी 1 किलो पेड़े बांध दो सेठ जी। अच्छा जी? जान से मार डालूंगा फिर कभी इधर आए तो। चल रहे। क्या हुआ टोनी? देखो इस कर्म लोहार को। क्यों, क्या किया इसने? इसका बेटा राजू मेरे पास पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन जब मैं घर पर नहीं था तो इसके बेटे ने मौका देखकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। मैंने आकर अपनी पगड़ी इसके पैरों पर रख दी मगर ये धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल रहा है। कर्मो मास्टर जी क्या कह रहे हैं? बुला अपने बेटे को। तुम क्या मामा लगते हो उसके? तुम्हारी बेटी के साथ तो कुछ नहीं हुआ। कर्मो संभाल अपनी, तू अपना सर संभाल। तेरी तो फेंक दो इसे।
तुम्हारे मारपीट के बारे में सुना था, पढ़ा था, और आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, टोनी का कोई दोष नहीं है। इस कर्मू लोहार के बेटे ने मेरी राधा की जिंदगी बर्बाद कर डाली। ऊपर से ये मुझे मार डालने की धमकी दे रहा है। ये तो टोनी ने आकर मुझे बचा लिया। क्यों, बहुत दादागिरी हो रही है? सब निकल जाएगी। हवलदार, ये सर, ले चलो इन दोनों को। चलो मास्टर जी, आप भी चौकी पर आ जाइए। जी। तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। टोनी, तुम मेरे साथ आओ। चलो। देसियों कैसे से तुम्हारे खिलाफ मारपीट की टोनी? मेरी तो समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं। ना तुम कानून की सुनते हो और ना फादर की। आखिर तुम ये करते क्यों हो? क्या तुम्हारी जिंदगी का यही मकसद है, मारपीट? नहीं लॉरेंस, मैं खामोखा किसी के साथ झगड़ा क्यों करूं? लॉरेंस, अब मेरी जिंदगी का तो सिर्फ एक ही अरमान है, मैरी कुछ ऐसा करके दिखा है कि मैं प्राइड के साथ कह सकूं, मैरी टोनी की बेटी है, मैरी मेरी बेटी है। तुम देखना लॉरेंस, तुम देखना, एक दिन वो बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। पढ़ लिख कर वो कलेक्टर बनेगी। तुम भी उसके सामने खड़े होकर यूं सैल्यूट मारोगे। हाँ टोनी, उसी दिन का मैं भी इंतजार करूंगा। अपनी बेटी के सामने सर झुकाकर मैं और भी ऊंचा हो जाऊंगा। मैरी मैरी कहते रहते हो, मिलाओगे? We'll be right back.
आखिर घर पहुंच ही गए। बहुत बरसात है भाई। हाँ, लगता है जबरदस्त तूफान आने वाला है। हाँ, थैंक यू। मैरी कहाँ है? मैरी कहीं घबरा कर पड़ोस में चली गई। मैं जरा माचिस। कौन? कौन है वो? क्या हुआ टॉनी? नहीं टॉनी, छोड़ दो टॉनी, मैं नहीं रहा, छोड़ दो मुझे। लॉरेंस, तू मेरी बेटी को देखना चाहते थे ना? देखो, यही है वो मेरी। किसके बारे में? जिसके बारे में पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या बता रहा था। कैसे कैसे सपने देख रहा था मैं। लॉरेंस, यही वो मेरी है जो एक दिन कलेक्टर बनने वाली थी, जिसके सामने तुम सेल्फी करने वाले थे। देखो इसे और इसको, मैं इसको जान नहीं दूंगा। नहीं तो मुझे लॉरेंस छोड़ दो। तुम कभी भी आगे छोड़ो इसे। रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ। नहीं टॉनी, नहीं, हरामखोर टॉनी, मैं क्या दोहरू जो? नहीं लॉरेंस, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। हटाओ, हटो मेरे आगे। टॉनी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसे फेंक दो। तुम मुझे मारना चाहते हो लॉरेंस? मारो, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबर से काम लो। मत करो सबर की बात मुझसे। मैं इसके गुनाह को इसी के खून से धो दूंगा। नहीं टॉनी, एक गुना दूसरे गुना के साथ नहीं होता। गुना को गुना मत रखो। टॉनी, मेरी बात सुनो दोस्त, इन दोनों की शादी करवा दो। शादी? हाँ, अभी इसी वक्त। सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी शेखर। क्या करते हो? पढ़ता हूँ मेरी के साथ। ऐसे ही कमियाँ मेरी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं रिश्ता पक्का कर रहा हूँ, ताकि हम सब जिल्लत की आग से बच सकें। मेरी कितना In the presence of God, I declare you man and wife. Papa. Papa. Papa, मुझे माफ कर दे papa. टोनी, क्या बात है, सुबह से आए नहीं? क्या हुआ टोनी, कुछ हुआ है क्या? नहीं फादर, कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं, जब तुम कुछ नहीं कहते हो तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। बैठो, अब बताओ क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ? बेटे के साथ नहीं फादर, बेटी के साथ हुआ है। यानी मेरी के साथ? नहीं नहीं फादर, मेरी नहीं। हाँ। वो
वो अपना वो जेम्स मास्टर है ना, हाँ। उसकी लड़की को वो कर्मो लोहार के बेटे ने उसकी इज्जत। माय गॉड, क्या कहते हो? यस फादर। तो फिर उन दोनों की मजबूरन शादी कर देनी पड़ी उसी वक्त वहीं घर में। किसने करवाई शादी? वो लड़की के अंकल ने। उसका बाप वहां था? अब हाँ था फादर, लेकिन वो हेल्पलेस था फादर। लेकिन ठीक किया ना? तुम थे ना वहां? मैं हाँ। तो तुम उन्हें चर्च में क्यों नहीं ले आए? मैं फादर, लेकिन ये शादी मानी जाएगी ना? अरे कैसे मानी जाएगी? अगर शादी बिना कानून के, बिना धर्म के पूरी हो सकती तो क्या जरूरत है इस चर्च की और उस रजिस्टर की जिसमें हर पति पत्नी का नाम लिखा जाता है? चर्च सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं देता टोनी, चर्च समाज को गवाही भी देता है। तो फादर अब क्या होगा? तुम फौरन उन्हें यहाँ ले आओ, मैं सबके सामने उनकी शादी चर्च में करवाता हूँ। आए भी वो, गए भी वो, खत्म फसाना हो गया। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ शेखर। क्या हाल हुआ है तेरा मेरी? आप यहां? तुम्हें लेने आया हूं। मुझे? हाँ बेटे, फादर ने भेजा है मुझे ताकि जो शादी कल रात के अंधेरे में अधूरी रह गई थी वो दिन के उजाले में पूरी हो जाए। तुम समझते हो मैं दूल्हा बनूंगा? बहुत लड़के पड़े हैं गांव में, किसी को भी पकड़ लेते। देखो शेखर, तुमसे वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और अब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। चलो शेखर, तुम खुद जाते हो या मैं निकालूं? देखो बेटे, उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं, फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, चलो मेरे साथ। तुम नहीं जाओगे? तुम्हें लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम मरो यहां पर, मैं जा रहा हूं। नहीं शेखर, प्लीज मत जाओ। हट जाओ, जाने दो मुझे। सुनो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं शेखर। मेरी बेटी ने तुम पे भरोसा करके अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। कौन सी बड़ी बात है? मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी लड़कियां आई हैं, उनमें से तुम्हारी बेटी भी एक थी। शेखर! सॉरी शेखर, मैं गुस्से में ऐसा कर बैठा, माफ कर दो मुझे। देखो शेखर, मेरी की जिंदगी खराब करके मत जाओ। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं। छोड़ दो मुझे। शेखर मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो शेखर। फादर, फादर, क्या है टोनी? कौन है ये? दूल्हा है फादर, ब्राइडग्रूम। इसी की शादी आपको करनी है अभी। मगर इसे हुआ क्या है? कुछ नहीं फादर, आ नहीं रहा था इसलिए मेरा हाथ का एक पड़ा तो बेहोश हो गया, अभी होश में आ जाएगा। लेकिन लड़की कहाँ है? ये हाँ,
है शादी इनकी। मगर ये लड़का शेखर अभी होश में आ जाएगा फादर। बेटे शेखर टोनी, अरे अरे तूने तो इसे नहीं फादर, नहीं, मैंने इसकी जान नहीं ली, मैं तो उसको यहां ला रहा था फादर, मगर मैरी ये आदमी तुम्हें धोखा देके भाग जाना चाहता था, मैं इसको यहां ले आया था कि तुम दोनों की शादी हो जाए, मेरे बात पर विश्वास करो मैरी, मैंने इसकी जान नहीं ली, मैरी फादर मैं सच कहता हूं, मैंने इसको नहीं मारा। इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी। Oh my God. फादर, मैंने उसको नहीं मारा फादर, मैं सच कहता हूं, आप लॉरेंस को समझाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। टोनी, मैं तुम्हें शेखर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। आई एम सॉरी फादर। तमाम गवाहों के बयान के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि शेखर की मौत टोनी के ही हाथों से हुई है, मगर साथ में यह भी साबित होता है कि टोनी ने सोच समझकर नहीं बल्कि वक्ती तौर पर तैश में आकर शेखर को मारा, इसलिए अदालत इंडियन पिनल कोड की रूह से दफा 304 के तहत टोनी को उम्र कैद की सजा देती है। फादर, मेरी ने पुल पर से कूदकर जान दे दी। फादर, और वो मां बनने वाली थी, लोग उसे ताने देने लगे थे, शर्म के मारे जीना मुश्किल हो गया था उसका। मत रो टोनी, मत रो, हम सब एक बड़ी आजमाइश में से निकल रहे हैं। लॉरेंस, मैं वक्त का मुजरिम हूँ लेकिन इस वक्त ने क्या इंसाफ किया, जब तक जीते हो जलते रहो, जल जाओ तो कहना माफ किया, जल जाए जरा सी चिंगारी तो और हवा मिल जाए।
जो और सजा मिल जाती है, मरने की घड़ी मिलती है अगर, जीने की सजा मिल जाती है। लॉरेंस, आप तो मुझे याद किया फादर। हाँ लॉरेंस, सुना है आप चर्च की सीढ़ियों से गिर पड़े, लेकिन आप अकेले गए क्यों? लाठी लेकर क्यों नहीं चलते आप? मेरी लाठी तो तुम ले गए ना, कहाँ है वो? कैसा है वो तुम्हारा बदमाश? और मेरा एंजल टोनी, लॉरेंस जी चाहता है उसे एक बार देखूं, लेकिन यू नो माय सन, इस हालत में मैं वहां नहीं जा सकता। तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं। मेरे पास वक्त कम है लॉरेंस, उसे एक बार यहां ले आओ, सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम्हारा फादर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। लाओगे ना? लाओगे ना लॉरेंस? लाऊंगा फादर, जरूर लाऊंगा। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Lawrence. Thank you. और एक उपकार करो, मुझे और टोनी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं फादर। टोनी उधर ही खड़ा रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा बेटा? टोनी माय सन, टोनी मेरे हाथ, मेरे हाथों से छूट रहे हैं टोनी। ये तेरे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए रे? पत्थर तुड़वाते हैं क्या तुझसे? तो फिर क्या करवाते हैं?
जेल में प्रेस है फादर, मैं वो प्रेस चलाता हूँ। वाह, पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध तो हुआ तेरा। मैं तुझे पढ़ा लिखा नहीं सका, मेरी तो सारी उम्मीदें अधूरी रह गई हैं, और अब देखो जाने का वक्त भी आ गया। नहीं फादर, ऐसा हो रही है, ऐसा हो रही है फादर। अरे रो क्यों रहा है पगले, उठ, एक काम कर, वो मेरी प्रेयर की कैंडल ले आ, उठ। टोनी, सिर्फ यही रोशनी है जो मैं तुम्हें विरासत में देना चाहता हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है टोनी, इसी ने मुझे रोशनी दिखाई है, यही तुझे रास्ता दिखाएगी। जब कभी दुख का अंधेरा घेर ले, इसे जला लेना, मन को शांति मिलेगी। Amen. टोनी, इसके साथ साथ मैं अपने आप को तुझे दे रहा हूं। हाँ, एक्सक्यूज मी फादर, वक्त खत्म हो गया है। लॉरेंस, एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी तो तुमने पूरी कर दी, अब दोस्ती का फर्ज पूरा नहीं करोगे? बोली फादर, इसके खून पसीने की अमानत, ये इसकी जिंदगी भर की कमाई है जो मेरे पास जमा पड़ी है। जिस दिन इसकी रिहाई हो, ये रुपए इसे दे देना, और वादा करो लॉरेंस, तुम इसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करोगे, वादा करो। यस फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। टोनी, टोनी, फादर, टोनी, टोनी, फादर, फादर, तो ख्वाहिश थी मेरी जिंदगी में एक स्कूल बनवा पाता, एक छोटा सा बेसहारा औरतों के लिए एक आश्रम और एक अनाथालय, एक बहुत बड़ा घर जिसका नाम रखता
वर्जिन मेरी हाउस। अब मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना ही पड़ेगा। नहीं टोनी, इंस्पेक्टर अब मेरा नाम नहीं है, सिर्फ नंबर है 199। मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। पैसा जेल से रिहा होने के बाद ही मिलेगा। उम्र कैद में ही उम्र कट गई तो ठीक है। तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मतलब भागने की कोशिश करोगे तो मैं गोली चलाने से भी नहीं हिचकूंगा। इंस्पेक्टर, खाली पिस्तौल चलाने से कोई फायदा नहीं होगा, गोलियां मेरे पास हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कानून से भागने नहीं दूंगा टॉनी। कानून से खेलता है। अब भी वक्त है, मान जा टॉनी। अंदर के जानवर को मत जगाओ इंस्पेक्टर। करना दोस्त।
सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव हियर सर। आई एम लॉरेंस। आई नो सर, आपका नाम तो बहुत सुना है सर। सर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। हमें ट्रेनिंग में आपकी मिसाल दी जाती थी सर। सुना है आपने अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा था। यंग मैन, वही तो एक दाग है मेरे करियर पर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वर्दी पहनते ही अपने सारे रिश्ते नाते और जज्बात को काट कर फेंक देना चाहिए। तो सर आपका वो भाई अभी तक पकड़ा ही नहीं गया क्या? भाई नहीं था इंस्पेक्टर, दोस्त था। हालांकि वो भाई से कम नहीं था। सिर्फ उसी को पकड़ने के लिए मैं आज तक जिंदा हूं। जब तक जेल की अमानत जेल को वापस ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। इंस्पेक्टर, यस सर, एक चाय भेज दो। जी, दो समोसे अचार डाल के, गर्मा गर्म। इसकी क्या जरूरत थी? चाय मैंने अपने लिए मंगवाई। हाँ पीजिए, शौक से पीजिए, हम तो पीकर आए हैं। लड्डू भी खाया। फरमाइए जी, हमारी एक पार्टी है। ऑपोजिशन पार्टी? सब काफी समझदार है। इस शहर में जो भी बड़ा आदमी आता है, हम उनका स्वागत करते हैं। मेला चला रे, माला रे, लाया रे, माला माला रे, माला माला रे, माला माला। थैंक यू, थैंक यू साहब। आपसे बड़ा आदमी शहर में कौन हो सकता है? पुलिस इंस्पेक्टर एसडी लॉरेंस। क्या रोबिला नाम है आपका? अरे रोबिला नाम तो उस पहले वाले लॉरेंस का भी था। जो के मर्द था, मार झाड़ू, वो चोर, लफंगा, उचक्के, बदमिजाज, बदतमीज, कौवे, भालू, कबूतर। अब मैं क्या करूं? उजा उजा साहब, साहब वो बहुत चालाक आदमी था। वो कैसे? साहब अभी बताता हूँ। साहब उस आदमी ने रिश्वत खा के एक मुजरिम को जेल से भगा दिया था। उसका नाम टोनी था। शट अप सर, मेलाराम हमेशा सच बोलता है। कभी झूठ नहीं बोला। बोला क्या? नहीं सर, यहाँ फादर थे, फादर फर्नांडिस। हाँ, लॉरेंस टोनी को फादर से मिलाने ले गया था। फादर बहुत पैसे वाला था, आधा टोनी खा गया, आधा लॉरेंस। मुझे तो लगता है लॉरेंस ने टोनी का मर्डर कर दिया। और मुझे लगता है सारा पैसा वो खुद खा गया। और मुझे लगता है अब वो तुम दोनों का मर्डर कर देगा। क्यों? क्योंकि वो लॉरेंस मैं ही हूं। क्या करें? बहुत ही मजेदार आदमी है, पहचान लिया। हम समझे हम दोनों को नहीं पहचानेंगे इसे। अच्छी तरह पहचानता हूं तुम दोनों को। दफा हो जाए यहां से, नहीं तो अंदर करवा दूंगा। नहीं अंदर नहीं जाना। चलो बात करो गुरु। लेकिन ये हाँ सर, दरअसल बात यह है, आज इस शहर में बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। यहाँ का अंदाता है। हाँ कौन है वो? नहीं बस सारा नहीं मालूम सर। वो सीधा सिंगापुर से आ रहा है, लाखपति आदमी है साहब। उसका नाम तरुण कुमार गुप्ता, जिसने यहाँ का कायाकल्प किया। ये विधवा आश्रम, ये अनाथालय, ये अस्पताल, ये धर्मशाला, ये सब कुछ उन्होंने बनवाया है। और आज एक स्कूल का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन? आपकी दी हुई पूंजी और अपनी मेहनत से मैं इतना बड़ा आदमी बन सका। मिट्टी में हाथ डालता हूं, सोना निकलता है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकूं, इंसानियत के और काम आ सकूं। फादर फर्नांडिस एक महान हस्ती थी। उन्होंने कई अनाथ बच्चों की परवरिश की, उन्हें जीना सिखाया। ये अनाथ बच्चे डाली से टूटे हुए फूल हैं, जिनके लिए टीचर्स माँ बाप की जगह रखते हैं। इनकी जिंदगी संवारना टीचर्स के हाथ पे है। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? दीपक सर। दीपक, पढ़ लिख कर बड़े होकर क्या बनोगे? सूरज। हमारी टीचर ने कहा है कि हम सूरज बने। गुड गुड, वेरी सर। आपको यहाँ की टीचर से मिलवा दूँ?
मिसेस शर्मा थर्ड स्टैंडर्ड की टीचर हैं, मिसेस गोम्स फोर्थ स्टैंडर्ड को पढ़ाती हैं, मिस प्रेमा फिफ्थ स्टैंडर्ड की टीचर हैं और ये सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाती हैं। वो दीपक इन्हीं का स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा इनका नाम है मैरी। मैरी सर मैरी 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 सेक्रेटरी देखे हैरत हो रही है ना, मर नहीं सकी। खुदावन नहीं चाहता था कि पाप का प्रायश्चित किए बिना ही चली जाऊं, इसलिए बच गई। पापा का कुछ पता चला? नहीं मैरी, तुम भी इंतजार कर रही हो और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। खैर तुम रहती कहां? नुक्कड़ वाले डॉक्टर शंभू प्रसाद है ना, उनके साथ। उन्होंने ही मेरी जान बचाई, मुझको सहारा दिया। अच्छा अच्छा डॉक्टर शंभू, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, जरूर आऊंगा तुमसे मिलने बेटी। यस। ये डॉक्टर शंभू का मकान है? जी हाँ, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम कौन हो बेटी? मैं डॉक्टर शंभू, मेरे नाना हैं। डॉक्टर शंभू नाना? जी मैं टीचर मैरी की बेटी हूँ। तुम मैरी की बेटी हो? यस। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? लिली। लिली, ब्यूटीफुल नेम, यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू। तुम्हारी मम्मी नहीं है बेटी? मैं उन्हीं से मिलने आया था। नो नो शी इज देयर, वो है। मम्मी कोई आपसे मिलने आए हैं? कोई? अरे कोई तुम्हारा असली नाना है बेटी। सर, आप? बैठिए। पहचाना मुझे? और से देखो बेटी, नहीं पहचाना? क्या हाल है? ठीक हूँ। ओह, तरुण साहब आप यहाँ? डॉक्टर साहब आ जाए तो मैं कह दूंगी आपसे आके मिले। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मैरी, इस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे पहले भी इसे कहीं देखा हो? मुझे तो नहीं लगता। इसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लगता है। पुलिस में रखे अंकल, आपको खामखा शक करने की आदत हो गई है। क्या पियेंगे आप? हाँ? कुछ नहीं बेटी, फिर आऊंगा मैं।
बिल्कुल वही, ये टूनी ही है। किसके फोटोज है नदी? तुम ही देख लो। ये फोटो तो तरुण कुमार जी का है, लेकिन आप नाम ले रहे हैं टोनी। यूर राइट। अब ये देखो, जरा ध्यान से देखना बेटे। ये फोटो भी तरुण कुमार जी का है, लेकिन दादी ये आंख पे काली पट्टी क्या बांध रखी है? That's it. इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक निकला, ये टोनी है। डैडी, ये क्या हो गया आपको? हर वक्त टोनी टोनी टोनी। अब टोनी नहीं, तरुण कुमार। टोनी ही आज का तरुण कुमार है, मगर मुश्किल ये है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, वो सबूत जिससे तरुण कुमार पकड़ा जाए और मेरे कैरियर पर लगा हुआ बरसों पुराना दाग धोया जा सके। जब आदमी चलता है तो उसका साया उसके पीछे चलता है, लेकिन मेरे पीछे इंस्पेक्टर चलता है। पूछ सकता हूं क्यों? बड़े लोगों की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है सर। अपनी ड्यूटी तुम जानो, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, अपनी हिफाजत करना मुझे आता है। आपकी मर्जी सर। ये पैकेट पहुंचा दूं? कहां ले जाना है? रहने दो। चलिए। कहां? पुलिस स्टेशन। व्हाट? मेरा मतलब है मेरे पास जीप नहीं है, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। पुलिस वालों को लिफ्ट देने के अलावा मेरे पास बहुत काम है। गुड बाय। ऐसे किस्मत वाले हैं के जिनकी किस्मत होती नहीं, हंसना भी मना होता है, तुम्हें रोने की इजाजत होती नहीं। बेनाम समासम जीते हैं, बेरंग मम्मी, बंद करो ना ये शोर, इतने शोर में मैं कैसे पढ़ूंगी? ये शोर बंद हो गया बेटी तो तेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। लेकिन इतने सारे कपड़े सीने की क्या जरूरत है? कपड़े नहीं लिली, सपने सी रही हूं जो मेरे पापा ने देखे और अब तुम्हें पूरे करने हैं। हाँ बेटी, तेरी माँ कपड़े नहीं सिएगी तो हमें अपने मुंह और पेट सीने पड़ेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, लाख लाख शुक्र है तेरा। हाँ हाँ, शुक्र ही शुक्र है, और है ही क्या इस घर में, न खाने को खाक न सोने को चटाई। अरे भगवान, जब देखो तब पंचम सुर में बोला करती हो, कभी तो नीचे के सुर में बोला करो। ये लो। हाँ, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? अरे भगवान, जब वक्त ही साथ न दे तो घड़ी रखने से फायदा क्या? आते ना बनाओ, पहले बताओ घड़ी कहाँ है? अरे धीरे बोलो, वो मैंने गिरवी रख दिया। हाँ, तो क्या तुम्हें रख देता? क्या क्या कहा?
रख भी देता तो क्या मिलता, सफेद हाथी तो हम जैसे राजा ही पाल सकते हैं। मुझे हाथी कहा? नहीं, खुद को राजा कहा। अरे भगवान, घड़ी नहीं रखता तो लीली की फीस कैसे दी जाती? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? धीरे वो बच्ची के लिए तो मैं खुद भी बिक जाऊं। खरीदेगा कौन? सब है मरीज। अरे मरीज पकड़ो। अरे बहुत तेज बुखार है। अरे लिटा दो लिटा दो। अरे आप लोग, अरे बुखार में बड़बड़ा रहा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैं कहता हूँ, अरे मैं मेरी बात तो सुनो, सुनो, बात मत करो। एक मिनट एक मिनट, ठहरो ठहरो। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? थर्मामीटर हिलाना भूल गई थी इसलिए। अच्छा, मलेरिया तो नहीं है? अरे इसके तो दिल ही नहीं है। दिल नहीं है? हाँ। आला तो कान में लगाओ। ओ हाँ हाँ हाँ। चुप, लगता है मिर्गी की बीमारी है। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं मरीज नहीं हूँ। तरुण साहब क्या चाहें? जी हाँ जी, तरुण साहब की तबीयत ठीक है, उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। मुझे बुलाया? तेरा लाख लाख शुक्र है, एक लखपति को रोगी बनाया। हे भोले, ये लो आप, और जाओ जल्दी, नहीं तो वो ठीक हो जाएगा, मैं किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लेगा। चलो चलो चलो, चलो ना। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा। सुनो, अच्छी फीस मांग लेना, समझे? हाँ मांगूंगा मांगूंगा। बाबा बेटी ध्यान से देखना, अच्छी दवा देना। हाँ बेटी, मेरी दवा से क्या होगा, वो तो दुआ से अच्छा होगा। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। सर, डॉक्टर शंभू को ले आया हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। यस सर। आइए डॉक्टर जी। हे भोलेनाथ, जय शिव शंभू, रक्षा कर मेरी, नमस्ते। आइए बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। क्या रोग है आपको? डॉक्टर आप हैं और रोग मुझसे पूछ रहे हैं? जी थैंक यू सर, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, वरना लोग तो मुझे अठन्नी डॉक्टर कहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए जो आप यहाँ आए। उसकी कुछ फिक्र मत कीजिए, वहां भी कोई खास काम नहीं था। खास काम नहीं था मतलब दवाखाना ठीक से नहीं चल रहा है क्या? जी वो बात नहीं, अगर दवाखाना ठीक से नहीं चलता तो गुजारा भी ठीक से नहीं चलता होगा। वो तो मेरा रोग है। कौन कौन है घर में? जी एक बेचारा मैं हूं, एक बेचारी मेरी बीवी और एक बेचारे भोलेनाथ। भोलेनाथ? जी हाँ, भोलेनाथ, शिव शंकर, हमारे फैमिली गॉड है बेचारे। और? जी दो बेचारी आदमी और भी हैं, मेरी और लीली। मेरी बेचारी तो पढ़ा लिखा कर कपड़े सीकर अपना गुजारा कर लेती है, बाकी हम सब मेरी पर गुजारा करते हैं। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह से पढ़ लिख कर लीली बड़ी बन जाए। डॉक्टर जी, अब आप चवन या ठनी के डॉक्टर नहीं रहे, हजारों के हैं। ये लीजिए एडवांस, आज से आप हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं। हे भोलेनाथ, तेरा दान स्वीकार करने का साहस दे मुझे। रख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आकर मांग लीजिए। और ये हमारी तरफ से उन दोनों माँ बेटी को दे दीजिएगा। जी हाँ दे दूंगा, मेरी को भी दूंगा, लीली को भी दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। बीच में क्या किया? अठन्नी, अठन्नी, झोली भर के जा रही है। तू भी झोली फैला दे। हट जाओ, हम तरुण साहब का फैमिली डॉक्टर हो गया। चल फैमिली डॉक्टर। चेलरा, गुरु महाराज की जय हो, पैर की तरह। कौन है आप लोग? प्रजा, भिखारी हैं हम लोग, नंगे फिरते हैं, मगर किसी बड़े आदमी के लिए भीख मांगने आए। हाँ हाँ, माला रे, माला डालिए ना। क्या चाहिए आपको? सब सच बात बताऊं, जब हमारे एक गुरु था, फादर फर्नांडिस, फर्नांडिस फर्नांडिस, और कल रात को सपने में आया। मेरे सपने में भी आए? आए थे। हाँ आए थे। कुछ कहा? कह रहे थे क्या, इनसे जाके मिलो। पर क्यों? चंदा चाहिए। चंदा? डोनेशन, कपड़ा बनाने के लिए? नहीं कपड़ा नहीं, उनका एक
उनका मूर्ति 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 स्टैचू स्टैचू चंदा चाहिए डोनेशन मतलब ज्यादा नहीं 10,000 500 55 55 नए पैसे सब एक पैसे का नुकसान कर दिया छप्पन पैसे छप्पन क्यों ज्यादा है 55 में पटा लेंगे पटा लो 55 सेक्रेटरी माल मिलेगा मिलेगा ढिलना नहीं सर चेकबुक चेक बाद में चलेगा चलेगा पहले जरा पुलिस स्टेशन फोन चंदा देंगे क्या 20,000 हो गए बिल्कुल परफेक्ट चुप रहो चुप इन दोनों को पुलिस का हवाले कर बैठ सर सब पानी है हिचकी आ रहा है नहीं बाहर जाके मिलेंगे चल चल डब्बा डब्बा ले ले अरे हिचकी बंद कर हिचकी दुकान की दुकान रख दी मेरे हाथों में है ना वाह ए ये तुम्हारे लिए नहीं है मेरी के लिए है लो मेरी लिली यस बाबा ये आपके लिए आप अच्छी लगती है लेकिन उनकी तबीयत कैसी है बाबा यस बाबा लिली देख देख ये लो देखो तरुण साहब ने तुम्हारे लिए भेजा है मेरे लिए लेकिन उनकी तबीयत कैसी है बाबा हां बता सब स्वीट होम बाबा अच्छा बाबा ये भी तुम्हारे लिए है मामा कैसा है अच्छा है ना मामा मामा मैं पहन के दिखाती हूँ अरे वाह ये मेरी के लिए बाबा मेरी ये तुम्हारे लिए ठीक है ना अरे कभी सुना है भगवान श्री कृष्ण को छींक आई हो अरे वो तो आदमी नहीं देवता है देवता मेरी तो किस्मत खोल दी देखो देखो कितनी फीस दी है और तुम माँ बेटी के लिए Excuse me, आप मेरा नाम लॉरेंस है मैं यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ क्या मैं मिस्टर तरुण कुमार से मिल सकता हूँ जी आपको इंतजार करना पड़ेगा वो अभी अभी खाने के लिए गए आने में थोड़ी देर हो गई वरना मेरी भी दावत हो जाती दावत में तो दाल दलिया ही मिलता वो सिर्फ यही खाते हैं प्लीज सिट डाउन तरुण कुमार हाउ डू डू क्या आप लेफ्ट हैंडर हैं इंस्पेक्टर सॉरी मैंने सुना था आप लेफ्ट हैंडर हैं गलत सुना कम सिट डाउन कहिए कैसे तकलीफ की सुना था आपकी तबीयत कुछ नासाज है आप डॉक्टर शंभू से मिलकर आए हैं कोई खास तकलीफ जिस्म को कुछ नहीं हुआ बस जरा सी दिमागी परेशानी मिस्टर तरुण मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए क्यों ऐसे ही मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा ज्योतिषी है सोचा था उसे आपकी रेखाएं बता दूं
वो आपकी परेशानी का कारण बताएगा, इतना ही नहीं वो आपका भविष्य भी बता देगा। इंस्पेक्टर, मुझे अपना भविष्य मालूम है। इस तरह आप घूर के क्या देख रहे हैं इंस्पेक्टर? हो, ये आपके गॉगल्स बहुत अच्छे हैं, इंपोर्टेड है क्या? क्या मैं देख सकता हूं? सिर्फ गॉगल्स इंपोर्टेड हैं, आंखें नहीं। आपको क्या अच्छा लगा इंस्पेक्टर, गॉगल्स या आंखें? आपकी दोनों आंखों में कुछ फर्क है ना मिस्टर तरुण? जी नहीं, फर्क आपकी आंखों में, मगर आपकी ये बाएं आंख। क्या हुआ है मेरी बाएं आंख को? अरे भाई, ओरिजिनल है, शीशे की नहीं। आपकी इस ब्लू टाई पर डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और सफेद स्पॉट्स हैं। और आपकी घड़ी में इस वक्त 9:25:13 हुए हैं, जबकि आपके चेहरे पे पूरे 12 बजे हैं। इंस्पेक्टर, सच और झूठ सिर्फ देख कर नहीं जाना जा सकता, उसके लिए दिल की कसौटी चाहिए। मिस्टर टोनी, आई मीन मिस्टर तरुण कुमार, क्या आप जानते हैं कि यहां लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? वो शक करते हैं कि जो आदमी एक बार गायब हो गया था वो आपके रूप में वापस लौट आया है। What do you mean? I mean, father. Father Fernandes. जैसे फादर फर्नांडिस आपके रूप में नया जन्म लेकर आ गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फादर की सारी इच्छाएं आप इस तरह कैसे पूरी कर रहे होते? By the way, आपका धर्म क्या है? इंसानियत, ह्यूमैनिटी। मैं हर धर्म में विश्वास रखता हूं। गुड, वेरी गुड मिस्टर टोनी। मेरा नाम तरुण कुमार है। आई एम सॉरी मिस्टर तरुण कुमार, अब मैं चलता हूं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वैसे आपकी कोठी का नंबर क्या है? 991। ओ, मैं गलती से 199 ढूंढ रहा था। सी यू, गुड लक। तुम्हारा नाम होता गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता। Thank you.
आएंगी बहारें तो सबके उन्हें कहना जरा इतना सुने। आएंगी बहारें तो सबके उन्हें कहना जरा इतना सुने। ओ मेरे गुल बिना उनका कहां बहार नाम होता। गुल मुहर दे तुम्हारा नाम होता। गुल मुहर दे तुम्हारा नाम होता। मौसम गुल का फसाना भी हमारा काम होता। गुल मुहर दे तुम्हारा नाम होता। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मोहब्बत करो तो कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैं भी उसी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं जी। यस माय बॉय, टोनी के नवासी है वो। टोनी सामने होता तब भी यही होता, टोनी सामने नहीं है तब भी यही होगा, और शायद ये होगा तभी वो सामने भी आएगा। और ये जो पिलर्स है ना, इन्हें जरा पॉलिश करवा देना। यस सर। इन खिड़कियों को कलर करवा देना। राइट सर। और वो जो कलर ग्लासेस है ना, उनको उनको चेंज करवा देना। यस सर। नए लगवा देना। यस सर। दैट्स ऑल यू कैन गो। ओके सर। गुड इवनिंग बेबी। गुड इवनिंग। बैठो। रो रही हो? जी नहीं। किसी ने किसी से मिलने के लिए मना किया है? मम्मी ने? जी, जॉर्ज से। जॉर्ज बहुत बुरा लड़का होगा। जी नहीं, बहुत अच्छा लड़का। तुम प्यार करती हो उससे? ठीक है, फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे जॉर्ज से। नहीं सर, मम्मी कभी नहीं मानेगी। उन्होंने तो कहा है कि मैं मिलू भी नहीं उनसे। ये तुम्हारी मम्मी है ना, अगर मैंने उसको एक उल्टे हाथ का दिया ना जी?
अच्छा एक बात बताओ, ये लड़का कौन है जो हम सब से तुम्हें छीनना चाहता है? इंस्पेक्टर लॉरेंस अंकल है ना, उनका बेटा है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, तुम्हारी जैसी लड़की कहां मिलेगी उनको? पांव पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तब जाके मानूंगा। अब मुस्कुरा दो। That's it, बेटी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सो। हे भोलेनाथ, जय शिव शंभु, शंकर भगवान, भोलेनाथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? हे भोलेनाथ, सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब जी आई है, आइए आइए आइए। वाह, बहुत अच्छे। घर में आराम और सुविधाएं कुछ बढ़ती जा रही हैं। जी सब ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले की है उस लखपति की, जिसे दुनिया तरुण कुमार के नाम से जानती है। जी हाथ चाहे तरुण साहब का हो, लेकिन इच्छा तो मेरे शंकर की है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए ना जी। बैठिए जी। मेरी मैं ओ मेरी मेरी आई बाबा। लॉरेंस अंकल आप? हाँ मेरी, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। जरा अंदर से एक प्लेट तो ले आओ। प्लेट? हाँ भाई प्लेट, तुम्हारा मुंह मीठा कराने आया हूँ। मैं समझी नहीं। वो भी समझाता हूँ, इसे जानती हो? ये मेरा बेटा है जॉर्ज, ये तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ते थे, लिली की पढ़ाई मैंने बंद करवा दी है। मैं चाहता हूं इन दोनों की शादी हो जाए। मुजरिमों के साथ पुलिस वाले ऐसा सलूक कब से करने लगे? देखो मैरी, जितना प्यार मैं जॉर्ज से करता हूं उतना ही तुमसे और लिली से भी करता हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि ये रिश्ता हो जाए, और फिर लिली की तरफ मेरा भी तो कोई फर्ज है। सर देखा डालाई, अब कम तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, लॉरेंस के बेटे की लगाम तुम्हारे ही हाथों में होगी। मैरी अगर मान जाए तो मैं हथकड़ी साथ लेकर आया हूं। What do you mean, Inspector? मेरा मतलब है वो हथकड़ी जो जॉर्ज लिली को पहनाएगा। देखा मैरी, तरुण जी भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरे घर के मामले में कोई बाहर का आदमी दखल दे मुझे पसंद नहीं है। बाहर का आदमी? तुम्हारा अपना पापा बाहर का आदमी है क्या? मेरा मतलब है कि ये भी तो पापा के समान ही है। क्यों गलत कह रहा हूं क्या? देखिए ना तरुण साहब, मैरी इस शादी के लिए राजी नहीं। अगर मेरा दोस्त टॉनी आज यहां मौजूद होता तो क्या वो मना करता? अगर दो चाहने वालों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन और आपकी कौन? वैसे हूं तो मैं बाहर का आदमी, लेकिन ख्याल अपना भी यही है कि जॉर्ज और लिली की शादी हो जानी चाहिए। अब जब बात पक्की हो गई है तो देर करने से फायदा क्या? मैं समझता हूं शादी भी अगले संडे को हो ही जाना चाहिए। आपको शादी करवाने की हमेशा जल्दी रही है। तुम ठीक कह रहे हो मेरी, इसलिए मैं चाहता हूं अब की बार ये शादी तरुण जी के हाथ से हो। मेरे हाथ बहुत अनलकी है। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ले लो मेरी। क्या सोच रही हो? शायद तुम ये सोच रही हो कि मेरी हैसियत के मुताबिक तुम ये शादी नहीं कर पाओगे, है ना? घबराओ नहीं, जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना ही करना, मैं कोई एतराज नहीं करूंगा। मिस्टर तरुण, जो कुछ भी आप मैरी के लिए कर रहे हैं, आज अगर मेरा दोस्त टॉनी यहां होता तो आपको सर आंखों पर बिठा लेता।
बेचारा टॉनी पता नहीं कहां होगा, न जाने किस हाल में होगा। हैसियत की फिक्र मत करना, इस चेक में जितनी रकम चाहे भर लो, लड़की की शादी ऐसी धूमधाम से करना कि तुम्हारी हैसियत लड़के वालों की हैसियत से किसी भी तरह कम नजर नहीं आनी चाहिए। ये लो। ले लो बेटी ले लो, आती हुई लक्ष्मी को वापस नहीं करते, ले लो। अरे ये क्या सर, आपने तरुण की जगह टोनी लिख दिया। ला मैं देखूं। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ कैसे ना हो, जब से आप आए हैं तब से टोनी टोनी का ही रट लगा रखा है, गलती से इन्होंने टोनी लिख दिया। लाइए मैं फेंक दूं। मैं दूसरा चेक बनाता हूं। मुबारक हो बेटा मुबारक हो, खड़े क्यों, बैठो बैठो, तुम्हें भी मुबारक हो लीली, ये ले जाओ इसे खाली कर लो। इंस्पेक्टर साहब आप भी बैठिए। मेरी मेरी मुबारक हो, मुबारक हो समधी जी, लीजिए। आपको भी मुबारक हो, कितनी खुशी की बात है। लो बेटा लो लो, लीली तुम्हारी पसंद बड़ी अच्छी है, हाँ मिठाई खिलाओ। तरुण साहब आइए आप भी आइए, ये लीजिए। थैंक यू सर, बैठिए ना सर बैठिए। अरे भगवान इन्हें शरबत तो दो। अब तो ठीक है, मुबारक हो मेरी, ये लो, लो। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर और जरूरत पड़े तो बात ले लेंगे। जी जरूर। अच्छा तरुण साहब अब हम लोग चलते हैं, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। चलो बेटे। इंस्पेक्टर कोई और अगर ये हरकत करता तो कानून इसे जुर्म कहता। व्हाट डू यू मीन? आई मीन वो ग्लास जो आपने बास्केट में रख लिया है भूल से। हो, आज सभी से गड़बड़ हो रही है। इंस्पेक्टर आपसे मिलने वो टीचर आई हैं। कौन? जो स्कूल में मिली थी, मेरी मैरी। वो टीचर पहले तो उसे। यस। लगाने के लिए तब से भर रहा था बेटी, उस दिन जब सालों के बाद तुम्हें देखा तो जी चाह अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें घर ले आओ। लेकिन बेटी तुम्हें देखा था ना उस दिन कितना बेबस था तुम्हारा पापा, तुम्हारा नाम भी नहीं ले सका मैं। पापा, पापा, अब
से मिल गए हैं ना पापा? हाँ बेटी, आओ बेटा। पापा, आप रोज इस तरह अकेले खाना खाते हैं, अच्छा नहीं लगता होगा ना? आज मैं भी खाऊंगी आपके साथ। खाओगी? अच्छा। खाओ बेटे, खाओ, खाओ बेटे। क्या देख रही हो? आपकी ये आँख। मरते मरते कोई दान देगा तुम्हारे लिए, शायद वो जानता होगा तुम्हें एक आंख से देखकर मेरा जी नहीं भरेगा। खाओ बेटे, खाओ। और आप? बेटे मैं तो अपना दलिया खाऊंगा, बचपन से यही खाता आया हूँ ना। और मैं क्या बचपन से कुछ और खाते आई हूँ? पापा मैं आपके साथ खाऊंगी और आप ही का हिस्सा खाऊंगी। अच्छा, तो बेटी मत्रो बेटी, मत्रो, आज से कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जब अपनी लीली की शादी होगी ना, तो मैं सारी बस्ती को दावत दूंगा, ऐसी धूमधाम से शादी कराऊंगा कि दुनिया देखती रहे, और वो गाड़ी में खुद चलाऊंगा जिसमें अपनी लीली ब्राइड बनकर चढ़ जाएगी। काश आज फादर हमारे साथ होते। पापा, हाँ? आज कुछ मांगूंगी दोगे? जरूर बेटी, जरूर। वचन दो। दे दिया। पूछा भी नहीं क्या चाहिए? अरे बेटी पूछना क्या है, आज तुम जो मांगोगी मिलेगा, बोलो। लीली की शादी में आप हिस्सा नहीं लेंगे? क्या? हाँ पापा, और आप यहाँ रहेंगे भी नहीं, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, वरना लॉरेंस अंकल आपको छोड़ेंगे नहीं पापा। नहीं बेटी तुम डरो मत, कितने सालों बाद तुम मिली हो, बड़ी मुश्किल से मैंने पाया है तुम्हें बेटी, अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें खो नहीं सकता। मैं भी आपको खोना नहीं चाहती, लेकिन लॉरेंस वो लॉरेंस कुछ नहीं कर सकता, और ना ही वो कुछ करेगा ऐसे मौके पर। तो वो पुलिस का आदमी है पापा, उसे मौके की ही तलाश है। तुम फिक्र मत करो बेटी, वो मौका लॉरेंस को कभी नहीं मिलेगा। फिर भी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं कैसे? मुझे वचन दिया था आपको, मेरी कसम, आप यहां से चले जाइए। बेटी इसी बात का वचन लेना था मुझसे। लीली की शादी हो जाए मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज पापा। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। यस सर। आज ही हमारी वापसी का टिकट बुक करवा दो। ओके सर। सॉरी मिस्टर तरुण, आप यहां से भागकर नहीं जा सकते। सॉरी
दुनिया की कोई ताकत मुझे वापस जाने से नहीं रोक सकती इंस्पेक्टर लॉरेंस। नहीं मिस्टर तरुण, आप तभी जा सकते हैं जब मैं जाने दूंगा। व्हाट डू यू मीन? आई मीन ये रहा आपकी गिरफ्तारी का वारंट। मैरी, मुझे उम्मीद थी तुम भी यही मिलोगी। जी? मेरा मतलब है तुम इनको शादी का इनविटेशन देने जरूर आओगी। शादी के इनविटेशन का प्रूफ कैसा लगा? मिस्टर तरुण, मैंने सबको आपकी तरफ से इनवाइट किया है। शादी में आपका होना बहुत जरूरी है। तुम इनवाइट भी ऐसे कर रहे हो लॉरेंस, जैसे धमकी दे रहे हो। क्यों, आप डर गए मिस्टर तरुण? डरना मेरी फितरत नहीं। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, मैं जाती हूं। अच्छा मिस्टर तरुण कुमार, फिर शादी में मिलेंगे। लॉरेंस, यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोबरा एंड अ वाउंडेड टाइगर। तुम मुझे पकड़ने के लिए बेताब हो रहे हो। डैमेज फादर, आज इस लॉरेंस की वजह से मैं अपनी बेटी को बेटी भी नहीं कह सकता। अगर मैं यहां से चला जाऊं तो? लेकिन कैसे जा सकता हूं मैरी और लिली को छोड़ के? और फिर फादर, भागते भागते मैं बेदम हो गया हूं, थक गया हूं। लेकिन लॉरेंस, मैं नहीं भागूंगा। मैं तुम्हारे डर से हरगिज नहीं भागूंगा। अब मैं वो पुराना टोनी नहीं रहा। मेरा नाम मिस्टर तरुण कुमार है और तुम मुझको छू भी नहीं सकते। फर्ज करो, अगर तुमने मुझको पकड़ भी लिया तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? कोई सबूत नहीं। यू कांट इवन टच मी। मैं लिली की शादी में जरूर आऊंगा। Lawrence, I will definitely be there. वेलकम मिस्टर तरुण कुमार, आप ही का इंतजार था। आइए बैठिए।
क्या बात है अंकल? एक शक पैदा हो गया है। शक? और इस वक्त? हाँ, मुझे अभी पता चला है। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी। अंकल, चर्च के 20 साल के रजिस्टर मैंने देखे, उसमें तुम्हारा कहीं नाम नहीं। अगर यही पूछना था तो पहले पूछा होता, या बाद में पूछ लेते। अभी पूछने में हर्जी क्या है कि तुम्हारी शादी कभी हुई थी कि नहीं? अगर हुई थी तो कौन से चर्च में हुई थी, किस प्रीस्ट ने करवाई थी, कौन है तुम्हारा शौहर जान सकता हूं? कौन है इस लड़की का बाप बता सकती हो? लॉरेंस अंकल, ये सब आप पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं लड़के का बाप हूं। मेरे बेटे की शादी हो रही है और अपने होने वाली बहू के बारे में जानने का पूरा हक रखता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे पर कल लोग हंसें और मुझ पर उंगलियां उठाएं। बोलो। बोलती क्यों नहीं? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो डॉक्टर तुम ही बताओ। तुम्ही ने मैरी को अपने घर में रखा हुआ है ना, तुम्ही इसके धर्म के बाप बने हुए हो ना, तो तुम ही बताओ इसकी शादी हुई थी कभी? हे भोलेनाथ, जब शादी होनी चाहिए तो शादी होनी चाहिए। ये क्या नाटक शुरू किया तुमने? ये क्या शकुंतला नाटक है जिसमें नायक की अंगूठी खो गई हो? अरे भाई, शादी का काम पूरा करो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? नहीं। नहीं? आप इस अंगूठी को नहीं पहचानते? मैं इस अंगूठी के बारे में कैसे बता सकता हूँ जबकि मैं तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप इस अंगूठी को नहीं पहचानते, आप झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम अपनी बेटी को हमारे गले बांध सको। नहीं, नहीं, नहीं। दोस्तों और मेहमानों, जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, ये शादी नहीं होगी। अच्छा हुआ वक्त के रहते हुए मुझे सब कुछ पता चल गया। ये लड़की जिससे मेरे बेटे की शादी होने वाली थी, मेरे धर्म की नहीं। पाप है अमेरिका, नाजायज औलाद है अमेरिकी। ये सब झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। क्या कहा तुमने? यही कि लीली नाजायज औलाद है मेरी की। इसी दिन के लिए, इसी दिन के डर से किसी ने मेरी को एक दिन दराती समा देना चाहा था, खत्म कर देना चाहता था इसे। कौन? अब इसका बाप। तुम्हें याद नहीं? नहीं। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं उस तूफानी बरसात में तुम्हें इसकी शादी करवाई थी? बिल्कुल नहीं। तुम शेखर को जानते हो या नहीं? नहीं। मुझे जानते हो? नहीं। फ्रेंड्स, तुम मुझे नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। मेरी को भी नहीं जानते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि लीली पाप है मेरी का, नाजायज औलाद है मेरी। जब भी तुझे गुस्सा आ जाए ना तो इस सलीब को हाथ में थाम लेना, गौर तेरा हाथ थाम लेगा। रुक क्यों गए? मारो मुझे। जानते हो तुमने जो हाथ उठाया है वो बायां हाथ है, इट्स योर लेफ्ट हैंड। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ आदमी बाहर आना चाहता है। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम खुद अपना नाम बताओगे, क्योंकि सिर्फ मेरे जानने से कुछ नहीं होता, इन तमाम लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि तुम कौन हो।
अगर तुम्हारे अंदर के ही जानवर ने बाहर आना है तो उसी को बाहर आने दो। आओ मारो मुझे। तुम्हें निराशा होगी लॉरेंस, मेरे अंदर अब कोई जानवर नहीं, वो मर चुका है। दोस्तों, मेरे मेहरबानों, मेरा नाम तरुण कुमार नहीं। अगर नाम से ही मेरी पहचान होनी है तो मेरा नाम टोनी है, वक्त का कैदी टोनी, हालात का कैदी टोनी, इस इंस्पेक्टर के हाथों से भागा हुआ कैदी, कैदी नंबर 199, टोनी जो इस चर्च की बेल बजाता था, टोनी जो ताबूत बनाता था, वो टोनी मैं। बस इंस्पेक्टर, अब तो तुम खुश हो, तुम जीत गए लॉरेंस, तुम्हारा कैदी तुम्हारे सामने खड़ा है, ले चलो मुझे। लेकिन लॉरेंस, एक बार कह दो मैरी ने कोई पाप नहीं किया, तुम्ही ने इसकी शादी करवाई थी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं लॉरेंस, एक बार कह दो प्लीज। तू मेरे दोस्त हो ना, हाँ? दोस्ती नहीं निभाओगे? लॉरेंस, टोनी, तेरे दोस्त? लॉरेंस, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अपने अंकल को माफ नहीं करूंगी। जोर से बोलो बेटी, जोर से पापा बोलो, अब किसी का डर नहीं, बता दो सबको कि मैं ही तुम्हारा वो बदनसीब बाप हूं जिसको तुम सबके सामने पापा भी नहीं कह सकते थे। पापा, 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 ए लिली, रो रही हो इसलिए कि तुम्हारा नाना मुझे निकला? अरे बेटी, तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी शादी जॉर्ज के साथ ही होगी। तुम दोनों को मैं शादी का क्या प्रेजेंट देने वाला हूं जानते हो? अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा। आज तुम्हारी शादी पर मैं खुद इस चर्च की बेल बजाऊंगा तुम्हारे लिए। यही तो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा। You have declared your consent before the church. May the Lord in his goodness strengthen your consent and fill you both with his blessings. Chalo re jaldi chalo, jaldi chalo, are kidhar hai bhoot bhoot, are chal jao। ठहराओ, एक माला लेके सारी दुनिया को तंग करते हो, फिर ये माला किसी को पहना तो लॉरेंस को कह दूंगा। लॉरेंस, ए, 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 ए,